तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस, इट्स पीरियड बिकेम एक्स टाइम्स व्हेन टेकन टू हाइट आर इक्वल टू रेडियस ए ऑफ द अर्थ सरफेस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो टी इज द टाइम सिंपल पेंडुलम, इट सरफेस इट अर्थ के सरफेस पे अगर देखोगे, अर्थ के सरफेस पे, तो टाइम पीरियड कितना है, तो 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एट हाइट, जब हाइट चेंज करोगे कितना, एच इज इक्वल टू आर, तो उस वक्त हाइट चेंज करोगे, टाइम पीरियड 2 पाई, टी डैश इज 2 पाई, लेंथ एल और ये जी डैश अंडर रूट, तो दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो एच हाइट और पे जी की वैल्यू कितनी हो जाए, डी डैश इक्वल टू जी आर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आप सबको पता होगा। तो जी आर और आर प्लस एच की वैल्यू ये आर का होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा जी बाई फोर, अरे समझ में। तो ये जी बाई फोर पुट इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करोगे तो नया टाइम पीरियड एच हाइट पे जो दिखेगा, मैं कलर बदल देता हूँ थोड़ा तुम्हें फील आ जाएगा। तो यहाँ से टी डैश की जो वैल्यू है, टी डैश की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई एल ओवर जी डैश की वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे जी और ये फोर अंडर रूट, तो यहाँ से मिलेगा 2 और ये आ जाएगा 2 पाई एल बाई जी अंडर रूट। तो ये वाली जो सारी वैल्यू है वो 2 पाई एक्चुअल टी है, पुरानी वाली टी डैश। अब जो दिया हुआ था, गिवेन दिया हुआ था, तो टी कितना टाइम होता है, टी डैश होता है एक्स टी, तो यहाँ से दोनों को कंपेयर कर दो, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑप्शन अपना सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।